नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे, घर पे सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो ये सेशन है आप सभी के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आगे आने वाले 10 से 12 मिनट जो होंगे काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग हो गए। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपकी सैलरी की। जी हाँ, आपकी सैलरी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं डेफिनेटली उनको तो उनकी सैलरी मिल ही रही है। यहां पर मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं कि आज हम जो रोजाना बैठ के प्रिपरेशन करते हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, हर एक सब्जेक्ट को हम लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे वो डीएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे वो सीटेट, टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे यूपी सुपर टेट के लिए क्यों ना प्रिपेयर कर रहा हो। बेहतरीन कंटेंट के साथ रोजाना 9 बजे हम शाम को क्लास ले रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मिल रहा है। लेकिन मनी मन कहीं ना कहीं ये बात भी रहती है कि जब नौकरी लग जाएगी तो क्या मिलेगा, नौकरी मिल जाएगी तो क्या मिलेगा। कई बार ऐसा लगता है कि कहीं हवाई जहाज तो नहीं मिल जाएगा, कहीं हवाई जहाज तो नहीं ले लेंगे, हम ये सपने पूरे करेंगे, हम वो सपने पूरे करेंगे। कुल मिला के मन में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। तो आप कौन कौन सी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, इसके लिए मन में ये भी ख्याल आता है कि भाई आखिर मिलेगा कितना, तो उसको लेकर के मन में काफ़ी दुविधाएं और डाउट होती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस के अंदर सैलरी जब बनती है तो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग नाम होते हैं, उन सब नामों का हम नहीं जानते। और मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इस स्टेज पर था तो मुझे खुद नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें मतलब क्या होती है, टर्म्स ही नहीं पता थी। तो आज आगे जब आपके सामने ये माहौल आएगा, या फिर आज अभी जिस आप स्थिति में हैं, आपको इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। इस वीडियो के बाद आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि भाई किस तरीके से सैलरी बनती है, क्या क्या चीज़ें होती है। रोजाना लोग एनपीएस पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो ये है क्या। यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, चाहता तो मैं इसको कंप्यूटर पर भी कर सकता था, लेकिन मैं सोचा लाइव यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये वीडियो किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल है थोड़ा एक बार वो देख लीजिए। दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर पीआरटीज, टीजीटीज, पीजीटीज, या फिर जो भी लेवल 6, 7, 8 यानी कि सेवंथ पे कमीशन, आपने सुना होगा सेवंथ पे कमीशन का एक चार्ट है, उस चार्ट के अंदर जो लेवल 6, 7, 8 पर जो आते हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल है। आपको अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको अभी मैं आपकी सैलरी बताऊंगा। जो लोग बस जानते हैं बस इतना समझिए कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो भी सैलरी होगी वो यहां पर आपको समझ में आ जाएगी। एक्स वाई जेड सिटी का मतलब क्या है? एक्स वाई जेड सिटी का मतलब होता है कि जैसे भारत में जितनी भी सिटीज हैं, सिटीज का मतलब जैसे कुछ बहुत महानगर के रूप में है, कुछ गांव के रूप में, तो उसको कैटेगराइज किया गया है। तीन कैटेगरी बनाई गई है, 8%, 16% और 24% एचआरए के रूप में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब सिटीज को इन्होंने क्लासीफाई किया है, उस हिसाब से काफी सारे रेट्स जो हैं वो तय किए गए हैं। ठीक है, अगर सेवन्थ पे कमीशन में अगर आप 6, 7, 8 किसी भी लेवल पे आते हैं तो यहां पर ये जो सारा स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ जाएगा। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है बेसिक पे, पहले इन टर्म्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है पीआरटी, अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है पीआरटी। इसके अंदर जो टर्म्स होंगी, परसेंटेज होंगी, वो समय के हिसाब से उतार चढ़ाव उनके ऊपर होते रहता है, तो आप उस हिसाब से अगर किसी परसेंटेज के अंदर आपको कुछ ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है तो उसको आप करंट सिनेरियो से मैच कीजिएगा। मे भी हो सकता है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो परसेंटेज कुछ और हो, और जब आप इस वीडियो को देखें उस समय परसेंटेज कुछ और हो, तो आप केवल परसेंटेज मतलब आप तर्क को समझिएगा, बाकी सारी चीजों को उतना नजरअंदाज कर दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब क्या होता है कि आपका मूल वेतन क्या है, मतलब मेन जो आपकी सैलरी है वो कितनी है। वो सेवंथ पे की मैट्रिक्स के अंदर ये समझाया गया है। अब सेवंथ पे की मैट्रिक्स क्या है, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे, या फिर आप यूट्यूब पे नहीं, आप गूगल पे सर्च कीजिए सेवंथ पे मैट्रिक्स, तो आपको एक बहुत बड़ा चार्ट नजर आएगा। तो उसके अंदर जो पीआरटीज हैं वो लेवल 6 पर आते हैं, जो टीजीटीज हैं लेवल 7 पर आते हैं, और पीजीटी लेवल 8 पर आते हैं। तो उसके अंदर जो सबसे पहला नंबर जो लिखा रहता है वो आपकी बेसिक पे यानी कि फर्स्ट ईयर की सैलरी रहती है। अगले साल इंक्रीमेंट लगता है तो लेवल 2 मतलब लेवल 6 के अंदर सेकंड सेल पे आ जाते हैं, फिर थर्ड सेल पे आ जाते हैं। जब आप जॉब पे चले जाएंगे उसके बाद तो आप सारा मामला समझ जाएंगे। अभी बस फिलहाल ये समझिए कि जब आपकी नौकरी लगती है तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या अमाउंट लिखा रहता है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपका अमाउंट लिखा रहता है 35,400। एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपका अमाउंट लिखा रहता है 35,400। ये मैं पीआरटी की बात कर रहा हूँ।
अब टीजीटी का इसके हिसाब से 44,000 कुछ होता है और पीजीटी का आई थिंक 47,000 कुछ होता है, तो वो आपको देखना है और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको भरना है। आपकी सैलरी पहले महीने की आप खुद बना के सामने रख देंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बेसिक पे, बेसिक पे आपका होता है मूल वेतन जिसके बेस पर भैया आप एग्री करते हैं कि आपके यहाँ मैं नौकरी करूंगा। उसके बाद एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं डीए, डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस और हिंदी में इसको कहते हैं महंगाई भत्ता। देखिए इस पूरे टेबल के अंदर मैंने दो भाग बनाए, इधर प्राप्तियां और इधर कटौती। इधर मैं आपके साथ बात करूंगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज मिलती है और यहाँ पे बताऊंगा क्या क्या चीज कटता है। तो बेसिक पे आपको मिला 35,400 आपकी सैलरी, लेकिन इतनी सैलरी आपको नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा अलग सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं डीए की। डीए होता है डियरनेस अलाउंस, में बताया महंगाई भत्ता, ये समय के अनुसार कुछ कुछ परसेंटेज इसमें बढ़ोतरी होते रहती है। तो ये जो बेसिक पे है, जो ये किस पे लगता है, बेसिक पे पे, जो भी परसेंटेज तय होती है बेसिक पे पे रहता है। मतलब ये होता है समय जैसे बढ़ता है महंगाई बढ़ती है, सरकार उसी अनुसार बेसिक पे पर महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाते रहती है। फिलहाल अगर अभी की मैं बात करूं तो 17% महंगाई भत्ता है। मैंने क्या बोला, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय आप ये जरूर ढूंढिएगा कि आपके एरिया में आपकी जो गवर्नमेंट है उसका महंगाई भत्ता कितना है। हो सकता है कि वो ज़्यादा हो या कम हो, तो आप उसी हिसाब से इसको यहाँ पर भरेंगे। तो 17% आपको इसका निकालना है। 17% अगर आप इसका निकालेंगे तो लगभग 6,018 रुपये आएगा। मतलब आपकी सैलरी इतनी थी, 6,018 रुपये और जुड़ जाएगा। कई लोग कहते हैं सरकारी नौकरों को मतलब क्या कहते हैं लाखों लाखों रुपये मिलते हैं। देखना पड़ेगा भाई नई नई नौकरी लगेगी तो कितना आपको मिलने वाला है। अगली टर्म आती है, दिस इज नोन एज HRA। HRA को इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है होम रेंट अलाउंस। होम रेंट अलाउंस का मतलब आपको जो जो घर का किराया होता है वो आपको दिया जाता है, उसका अलाउंस आपको दिया जाता है। अब ध्यान क्या रखना है, HRA की दो केसेस हो जाएंगे, अगर आप सरकारी क्वार्टर में रहते हैं तो, और अगर आप सरकारी क्वार्टर में नहीं रहते हैं तो। HRA का जो भी आपका पैसा होता है, HRA का जो भी आपका पैसा होता है आपको तभी आपके आपको मिलेगा जब आप सरकारी क्वार्टर्स में नहीं रहते हैं। मान लीजिए आप जहां पे भी नौकरी करते हैं आपको सरकार ने कोई क्वार्टर दे रखा है वहां पर आप रहते हैं तो आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मीन्स HRA विल बी जीरो इन दैट केस। HRA आपको तभी मिलेगा जब आप अपने खुद के घर में रहते हैं, अपने खुद का अपना आपका अपना कोई रेजिडेंस है तो ही आपको मिलेगा। तो यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात आपको यहां पर क्या है कि HRA जो है अलग अलग स्टेट में अलग तरीके से होता है, अलग अलग स्टेट या फिर अलग अलग सिटीज में। जैसे कि मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था XYZ सिटी के अंदर ये थोड़ा अलग होता है। एक्स क्लास सिटी सबसे, जैसे महानगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सब जो महानगर है उनके वहां पर HRA का रेट अलग है। ठीक है, अगर हम बात करें और दूसरी सिटीज में तो उसके अंदर रेट अलग है, और जो गांव की सिटी गांव है वहां पर अलग है। तो इसके तीन रेट्स हैं, 8%, 16% और 24%, अलग अलग रेट्स हैं। तो मान लीजिए मैं मान के ये चल रहा हूं कि जिस बंदे की मैं सैलरी कैलकुलेट कर रहा हूं वो जो है दिल्ली का रहने वाला है या फिर चेन्नई का या कोलकाता का या मुंबई का रहने वाला है, तो उसको उसको HRA कितना मिलेगा। तो मान लिया कि आप किसी महानगर से हैं और आप जो आपको जो है 24% HRA मिलेगा, यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं या फिर मुंबई, कोलकाता, जो राजधानी चार हैं उसमें रहते हैं, इसके अलावा बेंगलुरु भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो मान लीजिए 24% आपका HRA है, तो 24% HRA वो भी आपको तब मिलेगा। मान लीजिए आपका 24% HRA है और जो है आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं तो आपको यहाँ पे जीरो मिलेगा। लेकिन मान लिया कि आप गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रहते, क्योंकि जिनकी 24% होती है वो लोग अधिकतर प्रेफर करते हैं कि भाई बाहर रेंट पे रहें, उनको थोड़ा सा फायदा हो जाता है। तो और अगर आपका अपना घर है तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो 24% HRA कैलकुलेट किस पे होता है, 24% HRA कैलकुलेट ये भी आपका बेसिक पे पर होता है। तो बेसिक पे आपका कितना है, 35,400। इस हिसाब से 24% इसका अगर हम निकालें तो ये आपका आएगा 8,496 रुपये, ये आपका आ जाएगा HRA होम रेंट अलाउंस। ये इतना रुपये आपको और ऊपर से मिलने वाले। अब आता है TM। TA होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी कि आने जाने का भत्ता, हिंदी में इसको यात्रा भत्ता बोलते हैं। तो यात्रा भत्ता कितना होता है, यात्रा भत्ता के दो रूप हैं, जो हम जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं PRT, TGT, PGT, दो कैटेगरी है जिसके अंदर आपको 1800 और 3600 का जो है दो स्लैब्स हैं। ठीक है, अगर आप मतलब कि किसी वाई क्लास सिटी में रहते हैं तो आपको 1800 मिलता है, 1800 या फिर क्या नाम है, जैसे जो सॉरी यहाँ पर जो जेड क्लास की सिटी में जहाँ पे आप रहते हैं, मतलब अगर आपका HRA 8% है तो आपको 1800 रुपये TA मिलता है, और अगर आप शहर में रहते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे दिल्ली की बात करी तो आपको 3600 रुपये TA मिलेगा। इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं होती।
3600 आपका टीए मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 3600 आपकी टीए हो गई। अब इस टीए का ध्यान रखना है कि अगर आप महीने में एक दिन भी अगर स्कूल आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये मिलेगा। और ऐसा हुआ कि कोई ऐसा संयोग बना कि एक महीने के अंदर एक भी दिन आपने क्लास को ज्वाइन नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आपका टीए आपको नहीं मिलता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर बात आती है डीए ऑन टीए, मतलब महंगाई भत्ता। इसके ऊपर महंगाई भत्ते की परसेंटेज कितनी है? 17%, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 17% महंगाई भत्ता है। तो 17% महंगाई भत्ते के हिसाब से आपको यहां पर 17% इसके ऊपर मिलेगा। अब 3600 का 17% जब हम निकालेंगे तो 612 रुपए हो जाएंगे। अब ध्यान रखिए, ये 17% मैंने क्या बोला, ये चेंजेबल है। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे मे बी कुछ और होगा, या फिर आपके शहर में कुछ और होगा, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है। ठीक है, तो 612 हो गया। तो यहां से ये आपकी मेन सैलरी हो गई, मेजर कैलकुलेशन जो थी वो आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा अगर छुटपुट चीजें कुछ आपको मिलती है, कोई बोनस हो गया या कुछ हो गया, वो सब तो अलग चीज है, मेजर ये चीज आपको मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं एनपीएस, ये नेशनल पेंशन स्कीम है। आपको पता है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर क्या होता है कि जितनी भी आपकी सैलरी बन रही होती है, मतलब वो कहते हैं कि जितना आपका बेसिक पे बन रहा होता है, बेसिक पे का मतलब ये 35,400 और 6,018, इन दोनों को जोड़ करके जो भी आपका कंबाइंड बेसिक पे जो बनेगा उसका 10% ना हम लोग देंगे और 10% तुम लोग दो, और दोनों को मिला के हम आपके अकाउंट में जमा करवा देंगे और बाद में आप इसको निकाल लेना। तो वो कहते हैं भैया इन दोनों को जोड़ डालो। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, यानी कि 35,400 और 6,018 को अगर हम जोड़ते हैं, 35,400 और 6,018 को अगर हम जोड़ें तो 8, 1, 4 और 6, 5, 11 ऊपर गया 1 और 4, यानी कि लगभग 41 रुपए, मतलब 41,41,418 इतना आ जाता है, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद लगभग इतना अमाउंट आ जाता है। तो वो कहता है भाई तुम्हारी जो बेसिक पे बन रही है ना, बेसिक पे कितनी बनी 41,418, इतनी जो आपकी बनी, मतलब बेसिक पे प्लस डीए जोड़ के जितना बना, उसका 10% हम लोग देने को तैयार है, ये सरकार कहती है। तो इसका 10% निकालेंगे तो लगभग 41,41 आता है, कह रहा इतना हम तुमको दे देते हैं 4,141। आप बोलेंगे मजे आ गए, सरकार भी फ्री फंड के पैसे दे रही है, तो इतने इतनी जो है आपकी सैलरी बन जाती है। अब इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये आपकी बनती है 58,200,267, मतलब ये जो है आपकी सैलरी बन गई, दिस इज नोन एज ग्रॉस सैलरी, ये आपकी बन गई समग्र सैलरी, मतलब इतने आपके टोटल पैसे हुए, मतलब इतने आपको प्राप्तियां हुई। अब इसमें से डिडक्शंस भी होंगी, कटेंगी भी, तो एनपीएस जो सरकार आपको देती है बोलती है कि भाई अब जितना हमने मिलाया था ना वो तो हम आपके अकाउंट में जमा करवा देंगे, आपको भी उतना पैसा जमा कराना पड़ेगा। मतलब वो क्या करेंगे, आपकी सैलरी में से 41,41, मतलब जितना आपका बन रहा है उतना, और ये एमएस का मतलब होता है मैनेजमेंट शेयर, मैनेजमेंट शेयर का मतलब जो सरकार दे रही है, ओएस का मतलब हो गया ओन शेयर, जितना आपने अपनी सैलरी से दिया, तो 41,41, मतलब ये तो सरकार ने अपनी मर्जी से आपको एक्स्ट्रा दे दिया था, वो तो चलिए इन्होंने काट लिया, अब ये आपकी सैलरी में से 41,41 और ऊपर से काट डालेंगे। ठीक है, अब ये जो पैसा है ये मत सोचिए कि कहीं हवा में उड़ गया, ये पैसा आपके एनपीएस के अकाउंट में चला जाता है, जो कि बाद में आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा भी अब जो है कुछ हल्की फुल्की डिडक्शंस हो जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रोफेशनल टैक्स हो गया, आप इनकम टैक्स कटवा रहे हो, जो कुछ भी होगा हल्का हल्का ईडब्ल्यूएस के अंदर होगा, कुछ रिकवरीज हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें तो मतलब नॉर्मली समय के अनुसार चलेंगी बदलेंगी, वो तो वो देखा जाएगा, लेकिन मेजर जो है आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर ये होता है। अदर मान लिया वो जीरो है, तो 58,000 आपकी सैलरी यहां बनी, तो 58,267 यहां रख देते हैं, तो यहां पर अब इसको माइनस करने के बाद जो आपको सैलरी मिलेगी यहां पे, इसको कहेंगे हम नेट सैलरी। तो ये जो आपकी नेट सैलरी होगी माइनस करने के बाद आएगी 49,985, मतलब ये जो होगी 49,985 रुपए, ये आपकी पहले महीने की सैलरी होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं, ये आपकी पहले महीने की सैलरी होगी। अगर अब अंदाजे के साथ मैं सारी बातें बताता हूं, अगर यही सैलरी, ये सैलरी किसकी है, एक प्राइमरी टीचर की, और वो भी उस प्राइमरी टीचर की जो कि दिल्ली में एक्स क्लास सिटी में रह रहा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, ऐसी जगह अगर वो रहता है तो उसकी सैलरी ये बनेगी। क्या हो अगर वो वाई क्लास सिटी या जेड क्लास सिटी में हो तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में डेफिनेटली ये एचआरए का रेट कम होगा, यहां पर भी इसका रेट कम होगा, इससे इसकी सैलरी पे सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। मान लीजिए इसी स्थिति में कोई व्यक्ति, सेम स्थिति में कोई व्यक्ति पीआरटी 8% एचआरए में काम करता है, मतलब किसी गांव में काम करता है,
तो ऐसी स्थिति में उसकी सैलरी में सीधा 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 तौर पर यहाँ पे कम से कम 8 से 9 हजार का फर्क आ जाएगा। और यहाँ पे जो सैलरी आपको 49,985 यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यही सैलरी वहां पर आपको लगभग 39 से 41 हजार के आसपास आपको दिखाई देगी। तो ये मैंने बात करी पीआरटी की, ये मैक्सिमम सैलरी है इंडिया के सिनेरियो में, मैं आपको बताता हूँ। अब यही केस बात करते हैं टीजीटी की, तो अंदाजा अगर लगा के चले तो लगभग 10,000 रुपए इससे एक्स्ट्रा, 10,000 रुपए इससे एक्स्ट्रा जो है वो टीजीटी की बन जाएगी, लगभग 59,000 के आसपास जो है, 59,000 के आसपास आपको टीजीटी की मिलेगी। और उतनी उसके अंदर 2-3 हजार रुपए और आप जोड़ लीजिए, 61-62 के आसपास आपको पीजीटी की सैलरी मिलेगी। जो मैंने आपको पूरा पूरा सिस्टम बताया, आपको बस एक नंबर पहचानना है। आप सर्च करेंगे सेवंथ पे मैट्रिक्स, सेवंथ पे मैट्रिक्स आप सर्च करेंगे, या फिर किसी भी एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे कि आपका बेसिक पे क्या लिखा हुआ है। प्राइमरी टीचर का तो 35,400 है, टीजीटी देखेंगे तो 44,900 ऐसे कुछ है उनका, पीजीटी भी 47,000 कुछ है उनका, वो देखिए। उसके बाद वो आप यहां भरिए, जो प्रोसीजर मैंने बताया है उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। आप ये देखिए, अब आपकी किस्मत होगी कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलती है। जहाँ अगर आपको पता है कि आपकी पोस्टिंग यहाँ पे है, अगर आप किसी स्टेट जॉब में हैं, तो आप अपनी सैलरी 2 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने सपनों के पुल बना सकते हैं। साथ ही साथ उस सपने को अचीव करने के लिए अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, उस एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा जिसके लिए रोजाना हम क्लास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जिस चाव और इंटरेस्ट के साथ आपने इस वीडियो को देखा, रोजाना क्लास को भी अटेंड करेंगे और अपने सपने को पूरा करने की जो आपकी जिद है उसको कंप्लीट करके रहेंगे। सो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैसे लगी आपको वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बाकी ऐसी ही वीडियोस में रोजाना लेके आते ही रहता हूं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।